दोस्तों मैंने अब तक बहुत सारे लोन एप्लीकेशन का रिव्यू किया है और मैक्सिमम वीडियो हमारे लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ ही होती है। मैंने आज के डेट में एक वीडियो अपलोड की है, अगर वो वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, एक बार जरूर चेकआउट कर लें। उस वीडियो में सारे लोन एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है कि जो फिलहाल अभी वर्क कर रही है उसके जरिए से आप इंस्टेंट लोन ले सकते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन वर्क कर रही है, कितनी की EMI आपको यहाँ पर मिल सकती है और कितने की आपको यहाँ पर मैक्सिमम लोन टर्म या फिर मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको मिल सकते हैं सिर्फ आधार और पैन के ऊपर। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, एक बार जरूर चेकआउट कर ले। दोस्तों आज यहाँ पर हम बात करने वाले HDFC बैंक द्वारा किस तरह से आप पर्सनल लोन या फिर बिजनेस लोन ले सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना होगा, इसके बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहे, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब्सक्राइबर के बेस के ऊपर ये काम किया जा रहा है। एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने कहा था कि हमारे पास सैलरी स्लिप है, बैंक स्टेटमेंट भी है, किस तरह से हम मैक्सिमम लोन ले सकते हैं HDFC बैंक द्वारा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा। दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एन ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों फाइनल हो चुके मोबाइल फोन के स्क्रीन पे, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही लोन्स के लिए अप्लाई करेगा। दोस्तों मैंने आज सुबह एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि 10 EMI लोन एप्लीकेशन के बारे में बताया है, जिसमें कि इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के जरिए से मैक्सिमम लोन ले सकते हैं सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर और सारे लोन एप्लीकेशन का लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ ही आपको बताया है। अगर वो वीडियो अब तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, एक बार जरूर चेकआउट कर ले। उस वीडियो में आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि कौन कौन सा एप्लीकेशन फिलहाल वर्क कर रही है और किस एप्लीकेशन के जरिए से आप आधार पैन के बेस पे मैक्सिमम लोन ले सकते हैं, वो भी EMI लोन एप्लीकेशन के साथ, एक बार जरूर चेकआउट कर ले। दोस्तों आज हम बात करने वाले HDFC बैंक के बारे में कि किस तरह से आप HDFC बैंक के जरिए से पर्सनल लोन या फिर बिजनेस लोन ले सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना होता है। अगर आप HDFC बैंक के कस्टमर ऑलरेडी हैं तो आप यहां पर इंस्टेंट लोन भी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं किस तरह से आप यहां पर डॉक्यूमेंटेशन आपको पूरा करना होता है। वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा। दोस्तों अगर आप यहां पर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या फिर बिजनेस लोन लेना चाहते हैं या फिर किसी कैटेगरी का बिजनेस प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके HDFC बैंक में एक सेविंग अकाउंट तो होनी चाहिए। बात करें भाई पर्सनल लोन्स के बारे में, तो आपको सबसे पहले यहां पर फीचर एंड बेनिफिट्स आपको यहां पर बता दे रहा हूं। HDFC बैंक का पहले से कस्टमर है तो ऐसे में आपको यहां पर सिंपल डॉक्यूमेंट के साथ फ्लेक्सिबल टेन्योर चूज कर सकते हैं। आपको यहां पर कोई भी चीजें डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने की जरूरत नहीं है। फीचर एंड बेनिफिट्स के अंदर में आपको यही चीजें देखने के लिए मिलेगा यदि आपके HDFC बैंक में पहले से अकाउंट है तो। बात कर लेते हैं यहां पर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। दोस्तों अगर आपके HDFC बैंक में अगर पहले से अकाउंट है तो ऐसे में आपको यहां पर आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे पैन कार्ड दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको यहां पर आधार कार्ड देने होंगे, साथ ही साथ आपको यहां पर बैंक स्टेटमेंट देना होगा और यहां पर सैलरी स्लिप देनी होगी। दोस्तों यहां पर साफ साफ पता चलता है कि अगर आपकी HDFC बैंक में पहले से अकाउंट है तो आप इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप पर्सनल लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंस्टेंट आपको वहां पर लोन्स मिल जाते हैं। दोस्तों बात करें वहीं पे बिजनेस लोन्स के बारे में, तो यहां पर डॉक्यूमेंटेशन कुछ इस तरह से रिक्वायरमेंट होंगे, जिसमें कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर आपका कोई फॉर्म्स है, इंडिविजुअल पैन कार्ड आपकी होनी चाहिए किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं या फिर खुद की कंपनी है या फिर कोई फॉर्म चला रहे हैं तो कंपनी के नाम से पैन कार्ड भी आपकी होनी चाहिए, आपको वो दे सकते हैं। या कंपनी की डिटेल्स आपको यहां पर देनी होगी, आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, एड्रेस प्रूफ देनी होगी, बैंक स्टेटमेंट देना होगा और लेटेस्ट ITR फाइल अगर आप करते हैं तो लेटेस्ट ITR फाइल आपको यहां पर देने होंगे मिनिमम एक साल का, जैसा कि यहां पर देख पाएंगे। तो कुछ इस तरह से अगर बिजनेस लोन लेते हैं तो कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन आपको पूरा करना होगा, ये रिक्वायरमेंट है। इसके बेस पे आप तुरंत बिजनेस लोन भी यहां पर ले सकते हैं। और भी चीजें यहां पर देख पाएंगे, जैसे मैं पर्सनल लोन्स, होम लोन्स, कार लोन्स, टू व्हीलर लोन्स, कार्ड के लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, गोल्ड लोन ले सकते हैं, बिजनेस लोन ले सकते हैं, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं। हर एक सेक्शन के अंदर में आपको डॉक्यूमेंटेशन आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप यहां पर टू व्हीलर लोन लेना चाहते हो तो ऐसे में आपको यहां पर डॉक्यूमेंटेशन देख पाएंगे कि आइडेंटिटी प्रूफ आपको देनी होगी, जिसमें कि पैन कार्ड दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड दे सकते हैं, इनकम प्रूफ देनी होगी और साथ साथ यहां पर बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप आपको यहां पर देना होगा। तो इस तरह से यहां पर HDFC बैंक द्वारा पर्सनल लोन्स, कार लोन्स, होम लोन्स वगैरह इस तरह से ले सकते हैं। तो मैं यहां पर पर्टिकुलर बात कर रहा था पर्सनल लोन्स और बिजनेस लोन्स के बारे में, जो कि आपको यहां पर डिटेल्स बता दिया। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको यहां पर आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड देना होगा, एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट देनी होती है,
अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं दोस्तों, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, सैलरी स्लिप की आवश्यकता पड़ती ही है। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है और आप वहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने सारी डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं और इंस्टेंट आप लोन के लिए अप्रूवल पा सकते हैं। यदि आप पहले से HDFC बैंक के कस्टमर होंगे और 6 महीने आप पुराना एक आपके अकाउंट होगी, तो ऐसे में आप इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इंस्टेंट अप्रूवल भी आपको वहां पर देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप नेट बैंकिंग से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां से भी आप कर सकते हैं, या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जाके पर्सनल लोन या फिर बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने हिसाब से यहाँ पर देख पाएंगे कई तरह का आपको यहाँ पर प्रोडक्ट फीचर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, अपने हिसाब से यहाँ पर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। जानकारी के लिए एक बार फिर से आपको बता दूं, अगर आपके HDFC बैंक में 6 महीने से ऊपर आपके अकाउंट हो चुकी है पुराना, तो ऐसे में आप यहाँ पर पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, किसी तरह का आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जितने सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन मैंने बताया है, अगर वो सारे डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं तो आपको इंस्टेंट अप्रूवल भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी और ये सब्सक्राइबर बेस के ऊपर ये वीडियो बनाया जा रहा है। सवाल किया गया था कि HDFC बैंक द्वारा हम किस तरह से पर्सनल लोन या फिर बिजनेस लोन ले सकते हैं, क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना होता है और किस तरह से हम लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं, आप चाहते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल करके पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये डिटेल मैंने जो भी एप्लीकेशन के जरिए से बताया, ये है HDFC बैंक की लोन असिस्टेंट्स। और यहाँ पर देख पाएंगे कि इसी के जरिए से मैंने आपको सारी चीज डिटेल्स बताया कि आपको क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना होता है। फिलहाल हमारे HDFC बैंक में अकाउंट है और किसी तरह का यहाँ पर अभी कोई भी ऑफर नहीं है, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख पाएंगे डैशबोर्ड पूरा खाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको एक छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, मैंने आप बहुत सारे लोन एप्लीकेशन का रिव्यू किया है जिसमें कि इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के जरिए से ले सकते हैं। कौन सा एप्लीकेशन फिलहाल वर्क कर रही है 2021 के अंदर में, जिसमें कि आधार पैन के बेस पे बड़ा अमाउंट ले सकते हैं और आपको मैक्सिमम लोन टर्म भी देखने के लिए मिल सकता है। मैंने आज सुबह एक वीडियो अपलोड की है, वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लें। डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, एक बार जरूर चेकआउट कर लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि चैनल को मैक्सिमम वीडियो लाइव के ऊपर ही ट्राई करें। हमेशा वीडियो मैं लाते रहता हूं।